गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल. दिस इज़ मी श्रेया राव फ्रॉम पन्नगर यूनिवर्सिटी. सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा फन वीडियो होने वाली है, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस परफॉर्म करे हैं किसले के साथ. यह किसले और इशिता और मीमांशा के साथ हमने बहुत ज़्यादा फन चैलेंजेस परफॉर्म करे हैं, और आपको इनको हारते हुए देख के बहुत मज़ा आएगा गाइज. लाइक मुझसे वैसे चैलेंजेस हो नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने ट्राई करा कि मैं जितने हो सके मुझसे आपको हंसा सकूँ. ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ आज. अपनी बेइज्जती करना मैं अब मैं आपसे मिलती हूँ आगे भी. और पूरी वीडियो देखना ठीक है एंड तक, क्योंकि बहुत बहुत ही मज़ा आया. लेकिन हमें करने में तो मज़ा आया, आपको देखने में तो बहुत ही मज़ा आएगा. गाइस तो जैसा कि हम गांधी पार्क पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है. और मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी जगह पर तो इतनी शिद्दत और इतनी जल्दी पहुँची आज. बड़ा मेरे को हमेशा कहीं भी जाती हूँ मेरे को हमेशा लेट हो जाता है, लेकिन आज मैं जल्दी पहुँची. और ये पूरा देखो गांधी पार्क पूरा खाली है पूरा. हाँ सब तेरी वजह से. तो गाइज हमें यहाँ पे आधा घंटा हो गया था वेट करते हुए इन लोगों को, और ये देखो कितने आराम आराम से आ रहे हैं सरोजनी वाले. हम देखो मैं मानसा सोच रहा हूँ कब से वेट कर रहे हैं यहाँ पे आपका. हाँ हम यहाँ भटकने पे लगे तब से. ऐसा करना है किसलिए? मेरा पैर सीधा नहीं होगा. मैडम आप खड़े हो जाइए, कैसी पोजीशन में बैठी हैं? ये तो मुझे ऐसे. और ये है एक तरफ ब्लॉगर का असली सच, ब्लॉगर हुई बेनकाब. मेरी बुढ़ापे की परीक्षा ली जा रही है. करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तुम ये करके दिखाओ. वहाँ देख ले हो गया हो. क्या कर रही है ये? कथक नहीं करना है हमें इन दोनों की मदद से. चलो रेडी हो ना मुझे गिराना. गाइस किसले क्या क्या किसले किसले क्या किसले किसले रुको चलो एक दूसरा दूसरे बैठे दूसरे चल फिर से उठा मेरे को. ये मिशन सक्सेसफुल. तो गाइस मैं अब देने वाली हूँ किसलिए को. आगरू जी को ही चार्ज, क्योंकि उन्होंने अभी मुझे चार्ज फेयर करा था. चलिए बेसिक एक्सरसाइज. अच्छा 10 बार करो मेरे साथ साथ पूरा बैठो. अब तुझे बता रहा कैमरामैन हमारी जो है मीमांशा बेस्ट पर आई थिंक ब्लॉगर को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है करने में. कभी सारी साथ है कि उसके साथ चार में टांग चल. नहीं मैं कर सकती हूं गाइस. ये चैलेंज किस लिए के लिए था या श्रेया के लिए? हो गए दर्ज. हो गए गाइस. हो गए चार इन्होंने मुझे फिर हरा दिया. अपने चैलेंज में हार गई मैडम. अपने चैलेंज में हार गई. ब्लॉगर भी गई. मजा आया. मिस कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ चुकी है. मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड. ब्लॉगर अपनी वीडियो ही नहीं आ रही है. आने फिर जाओ. चलो मैं बीच में आऊंगी. चलो गाइस एक बार चलो वाटर से चलो. हां 1 2 मैं हुई मेरे से तो हो गया थोड़ा थोड़ा. अबे मोटी रुक. मैं मोटी से बोला गाइस ऑन कैमरा हुआ झगड़ा. अबे इधर से मुड़ना है. मोटी कैसे बोला? मुंह से बोला. वाह ये कहाँ से आया स्टेप? मेरा खुद का इन्वेंटेड स्टेप था. क्या आप से फिर आएंगे? लो नया चैलेंज भाई इशिता. रुक ना बिना खाते सारे खड़े तुम पता चाहो से मुझे बोले दे रहे हो जो मैं करता तुम आई तो देंगे. ऐसे फिर तो करके दिखाओ. ऐसे करके अब बच्चे कहेंगे मैम आप स्टैंड अप कॉमेडी चैनल के लिए खोल लेते. रुक जा यार. क्यों तरीफ बोल रही है? पहले कर रही है. ओह मार दी गाइस.
कैसा लग रहा है आपको चैलेंज हार के? कैसा लग रहा है आपको सारे चैलेंज हार के? आई विल विन दिस। हमें अब एक और चैलेंज, जिसने श्रेया रावत का दावा है कि वो ये चैलेंज जीतेंगी। यस, मैं जीतूंगी। अभी अभी किसने ने मुझे एक चैलेंज दिया था जिसमें वो पूरी ऐसे पूरी बैठ जाती है, अब मैं वो करके दिखाने वाली हूँ। मतलब मुझसे वैसे वो होने वाला है नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूंगी जरूर, कोशिश करने वाला। आज अगर मैं कॉलेज नहीं जा पाई तो उसकी जिम्मेदारी और सर किस ले होगी? बस बस मैम, चैलेंज जीतने की इतनी जिद की अपनी कमर तोड़वा रही हैं आप। शिद्दत व्लॉग्स। अब आप लोग बताइएगा, दिखाने के लिए किसने बोला आपको? कौन देखना चाहता आपका डांस? नहीं, मेरी ऑडियंस देखना चाहती है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको सबसे अच्छा किसका लगा। इंडिया का हाल हुआ फिलहाल, अब मेरे को हर स्टेप ऐसे ही करना पड़ेगा। वो आएगा मेहमान जो हुई व्लॉग बनाते हुए बेहाल। सूत्रों से पता चला कि श्रेया ने जबरदस्ती पकड़ा दिया था कैमरा। अपनी प्यारी नंदिनी को एक स्टेप करके दिखाया है जो हम दोनों करने वाले। ठीक है, मैं गाना भी गाऊंगी गाइस, कि हमारे पास माइक स्पीकर नहीं है। चलो, दिन ता ना 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 ना, दिन ता ना ना ना, दिन ता ना दिन। वन टू, ओ चल तीनों करते हैं, आया थोड़ा थोड़ा, चल तीनों करते हैं, आ जाओ। ये क्या था? गाइज, अब हम लोग वापस आ रहे हैं प्रैक्टिस से और हमारा हाल इतना खराब हो रखा है, मेरा हाल इतना बेहाल हो रखा है, लेकिन ये लाइटिंग कितनी अच्छी आ रही है। चलो अब हम जाने वाले हैं कहाँ? मेस में जाने वाले हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही है एंड 7:45 भी हो चुके हैं, 9 बजे से हमारी क्लासेस भी हैं, तो आज मैं जल्दी जाऊँगी अपनी क्लासेस में, तो मुझे जल्दी जल्दी रेडी भी होना है। ये भी चैलेंज है, मैं जल्दी जाऊँगी। नॉट पॉसिबल, लेट्स सी। चलो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8:56 ही हो रहे हैं अभी और 9 बजे से हमारी क्लासेस थी। सो गाइज, मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया और हम लोग 8:56 पे अपने कॉलेज पहुंच चुके हैं। और बस मैं क्या बताऊँ, क्या खुशी है, सेकेंड सेमेस्टर में ये पहली क्लास है जिसमें हम जल्दी पहुंच रहे हैं। और मैंने मेहमान को गलत प्रूफ कर दिया, ये।